हाय व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड मज़ेदार रेसिपी जिसका नेम है वेजिटेबल ओट्स इडली। ये आपके वेट लॉस जर्नी में भी हेल्प करेगी और बहुत हेल्थी एंड न्यूट्रिशियस भी है। तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं वेजिटेबल ओट्स इडली। वेजिटेबल ओट्स इडली बनाने के लिए सबसे पहले हमें ओट्स को रोस्ट करना है, तो उसके लिए मैंने पैन को गैस पे रख दिया है और ले लिए हैं 1 कप ओट्स। इसको हम रोस्ट करेंगे 3 to 4 मिनट्स के लिए। हमें इनको बिल्कुल भी गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, जस्ट इनका कच्चापन ख़त्म करना है। तो इसको अच्छे से रोस्ट करेंगे और रोस्ट करने के लिए हमें इनको बिल्कुल भी स्टिर नहीं छोड़ना है, बस ऐसे आपको इसको चलाते जाना है और रोस्ट करते जाना है। जैसे ही ये रोस्ट हो जाएंगे तो हम इसको निकालेंगे एक प्लेट के अंदर ताकि ये थोड़े से ठंडे हो जाएं और इजीली ग्राइंड हो जाएं। तो इनको प्लेट के अंदर डाल के हम ठंडा करेंगे। तो हमारे ओट्स जो हैं अभी थोड़ी देर में बिल्कुल ठंडे हो चुके हैं, तो अब मैं इसको डाल रही हूँ ग्राइंडिंग जार के अंदर। तो इसका हम बिल्कुल पाउडर फॉर्म बना लेंगे और पाउडर फॉर्म से ही हम अपनी इडलीज को प्रिपेयर करेंगे। तो ये देखिए कितना पाउडर फॉर्म अच्छे से हो गया है, बिल्कुल परफेक्ट पाउडर बना है, बिल्कुल ही परफेक्ट है। इसके अंदर अब कोई भी दाना नहीं है। अब इसको हम साइड पे रखते हैं। अब इडली बैटर बनाने के लिए मैं ले रही हूँ 1 कप सूजी। 1 कप सूजी के अंदर जो हमने अभी ओट्स को पाउडर फॉर्म में किया था रोस्ट करके, उनको डाल रही हूँ। अब इसके अंदर हम डालेंगे 1 कप दही। तो प्रोपोर्शन आप इसी हिसाब से इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो अपने कंजम्पशन के अकॉर्डिंगली। अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 1 ग्रेट की हुई गाजर और 1/2 कप मटर। आप कोई भी वेजिटेबल यूज़ कर सकते हो जो आपके पास घर में अवेलेबल है। अब इसके अंदर मैंने डाल दिया है अदरक और हरी मिर्ची का पेस्ट, साथ में ये जा रहा है नमक, थोड़ी सी काली मिर्ची, 1/2 चम्मच हल्दी, हल्दी जस्ट कलर के लिए, अगर आपको नहीं डालनी आप इग्नोर कर दीजिए। अब इसके अंदर मैंने डाल दिया है 1 कप पानी। अब इन सभी के सभी इंग्रेडिएंट्स को हम बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर देंगे और बैटर बना लेंगे हमारे इडली का। तो आपको पता ही है जो ओट्स होते हैं वो पानी सोक करते हैं, तो उसके लिए इनको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। हमने सूजी भी डाली है वो भी पानी सोक करती है। तो हम इसको बैटर को 5 to 10 मिनट्स के लिए साइड पे रख देते हैं जब तक हम अपनी इडली का तड़का प्रिपेयर करते हैं। तो इडली के तड़के के लिए मैंने गैस पे पैन रखा है, उसमें मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच तेल। अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ सरसों के दाने, आप काली सरसों भी ले सकते हो या फिर राई भी ले सकते हो, एज यू विश। अब जैसे ही ये क्रैकल होने लगेगी तो हम इसके अंदर डालेंगे 1 चम्मच उड़द की दाल, 1 चम्मच चने की दाल और इसको हम रोस्ट करेंगे 30 सेकेंड्स के लिए। और तेल का आप टेम्परेचर आप देख लेना, ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए क्योंकि गर्म होगा तो आपकी ये जो भी दाल है तड़का है सब जल जुल जाएगा। अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 5 to 6 करी लीव्स और इसको भी ऐसे मिक्स कर लेंगे। और ये बैटर को मैंने ओपन कर दिया है, बैटर भी हमारा बिल्कुल अच्छे से फूल चुका है। इसके अंदर मैं अब ये तड़का डाल रही हूँ। तो ये तड़का इसके अंदर डाल के हम इसको बिल्कुल ही प्रॉपरली अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो अगर आपको लगे कि ये बैटर थोड़ा सा थिक हो रहा है तो आप बेशक थोड़ा सा पानी डाल सकते हो। तो मेरे को थोड़ा सा लग रहा है कि थिक है तो मैं थोड़ा सा पानी डालने वाली हूँ 1/2 कप। तो 1/2 कप पानी डाल के इसके ऊपर ही हम इनो डालेंगे फॉर फर्मेंटेशन, ताकि हमारी जो इडली है वो सॉफ्ट और बहुत ही यम्मी टेस्टी बने। ये बहुत ही सॉफ्टनेस आ जाती है इडली के अंदर इनो डालने से। बस इसको ऐसे मिक्स कर देना है और इसको हम अपने इडली कुकर में पकाएंगे। मैंने पहले भी बहुत सारी रेसिपीज़ बताई हैं जिसके अंदर की इडली प्रॉपरली कुकर में बता के बताई है कैसे लगानी है। सबसे पहले हम ये सारे के सारे मोल्ड्स को ग्रीस करते हैं, तो ग्रीस करने से हमारी इडली नीचे नहीं चिपकती। तो आपको ऑयल ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, जस्ट 1-1 ड्रॉप ही ऑयल डालना है और इसको ऐसे अच्छे से ग्रीस कर लेना है। ग्रीस करने के बाद सारे के सारे मोल्ड्स को हम अच्छे से फिल करेंगे इस बैटर के साथ। इस रेसिपी को आप ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर में ट्राई कर सकते हो। और ये देखिए बिल्कुल हमारे मोल्ड्स बनकर रेडी हो गए हैं। अब इसको हम ऐसे प्लेस करेंगे और प्लेस करने के बाद इसको मैं कुकर में डालूंगी। तो कुकर में जो है पानी भी हम डाल के उसको बॉईल करेंगे। तो बॉईल करने के बाद इसको ऊपर से हम इसको ऐसे उसके अंदर रख देंगे
तो जैसे ही रखेंगे तो हम इसको अब लिड बंद करके 10 to 15 मिनट्स तक पकाएंगे ताकि ये हमारी जो इडलीज हैं अच्छे से फूल जाएं और सॉफ्ट बने। तो ये लिड बंद कर दी है मैंने, तो मैं आपको दिखाती हूँ हमारी इडलीज भी बिल्कुल बन के रेडी हो गई हैं। तो बिल्कुल अच्छी बनी है, बहुत सॉफ्ट बनी है, बहुत ही वेट लॉस गुड रेसिपी है। आप इसको अपने वेट लॉस जर्नी में ज़रूर ट्राई कीजिए, सबको ये बहुत ही पसंद आने वाली है। सो गाइज, इस रेसिपी को अपने वेट लॉस जर्नी में ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ही डिलीशियस एंड हेल्दी रेसिपी है। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है देन प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपको न्यू वीडियोस में मिलूंगी विद मोर एंड मोर एक्साइटिंग रेसिपीज। टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी, कीप स्माइलिंग। बाय बाय।